होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज दिन है हमारा संडे, और आज अभी तकरीबन वक्त हो रहा है कोई 1:30 बजे का, और संडे का दिन है। लेकिन अब जब से मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है ना जाना, तब से मेरी आँख ऑटोमेटिकली 12 बजे खुल जाती है मेरे ऑन टाइम, जो मेरी है डेली, विच इज़ गुड आई थिंक। तो फिलहाल जो है संडे का दिन है, लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। आज के हमारे प्लान से कहीं बाहर जाने के तो देखते हैं, और कल मेरा टेस्ट भी है तो शायद ना जाएं, शायद जाएं, शायद मैं खाना बनाऊं। तो बड़े सारे प्लान से कन्फ्यूजन्स हैं, लेट्स सी कि इन सब में से होता क्या है। तो आप लोगों ने क्या करना है, लास्ट तक ये व्लॉग देखना है, चैनल को करना है बीच से सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। पहले करते हैं अपना नाश्ता, देन इसके बाद फिर देखते हैं कि आगे के क्या सीन्स बनते हैं। नाश्ता पराठा अंडा, ये अंडा जो है ये दानिया ने बनाया। दानी इसमें क्या डाल है? अजीब सा ही लग रहा है कुछ देखने में। ये यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे हैं। फिजे कहाँ जा रहे हैं? हम आंटी के घर। और ये पूछे अपना जरा दिखाना, क्या लग रही है पूछा? सिख लग रही है, बिल्कुल सिख। सिख कौन? मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। मतलब हम लोग का कोई जब से शादी हुई है अभी कज़न्स की, उसके बाद से अब जा रहे हैं। मतलब शायद 1 महीना हो गया ना अभी उन लोगों की शादी को भी। एक महीना हुआ नहीं, होने वाले हैं। मतलब लास्ट में हुई थी ना दिसंबर के, तो 1 महीना नहीं हुआ, कुछ ही दिन हुए हैं। लेकिन हम लोग बहुत दिनों बाद जा रहे हैं वहाँ पर। घर आने के बाद मैं बनाऊँगी आज कुछ स्पेशल अपने घर वालों के लिए। और ये अभी पवी भी तैयार हो गई है, इधर दिखाना। बहुत बुरी लग रही हो। मेरा भाई पहन के ऐसे त्राती है ये, जैसे पता नहीं क्या। अरे कपड़े मैंने धोए, लो पहने हुए। शट अप। कहाँ गई हूँ बाहर लेके? जी तो घर में आ गई हूँ, और अब जो है वो मैं एक कुछ बनाने जा रही हूँ खाने में, जो के है अभी बताने क्या बनाऊंगी मैं। क्या बनाऊंगी बताओ? क्या बनाऊंगी मैं जो मैंने कल तुम्हें बना के खिलाया था? वही पेल रही हूँ। क्या मतलब है अभी? नहीं मैं बताती हूँ, आज मैं बनाऊंगी चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई थी वो, हाँ चिकन कढ़ाई। अब मुझे ना उसका नाम नहीं याद कि उसको क्या कहते होंगे। चिकन कढ़ाई थोड़े अलग तरीके से बनती है, मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी। लेकिन जो भी मैं बनाऊंगी उसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, मैंने खुद यूट्यूब से देखी थी लेकिन मैं शेयर करती हूँ। और हम लोग आज बहुत कम क्वान्टिटी में बनाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने बटर चिकन बनाया था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया था, तो इसीलिए मेरे घर वाले मुझ पर भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं हम तुम्हें 4 चिकन की बोटियाँ देंगे, तुमने उसमें बनाना है, अगर अच्छा बना तो फिर तुमसे नेक्स्ट डे ज़्यादा क्वांटिटी में बनवाएंगे, ताकि पूरे ख़ानदान को बटवा सकें, मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे वालों को। तो फिलहाल चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि कैसे बनता है, और फिर उसके बाद टेस्ट की बारी है। बनाती अच्छा हूँ मैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मुझसे नमक की पूरी कान जो है ना वो गिर जाती है सालन के अंदर। लेकिन कोई बात नहीं भाई, जब इनिशियल लेवल होता है हर किसी का कुकिंग का तो ऐसे ही होता है। एटलीस्ट ट्राई तो कर रही हूँ ना मैं कुछ। और ये मेरे पास इतना ही क्वांटिटी में चिकन है आज फिलहाल, तो मैं जो है इसके फिलहाल अभी बस इसके यहाँ पे ऐसे कट लगा रही हूँ, हल्के हल्के करके बिल्कुल, ताकि जो भी मसाला वगैरह डालूँगा अंदर चल जाए। वो जो जिस चिकन के पीस पे कट लगते हैं मैरिनेशन अंदर फिल होती है, वो दूसरा वाला चिकन होता है, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल यही वाला था, इसीलिए मैंने इसी का वो वाले बना रही हूँ मैं। ओके जी, तो मैं अभी इसके अंदर जो जो सामान डाली हूँ वो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले जो है मैं यूज़ कर रही हूँ ये एप्पल विनेगर, थोड़ा सा बिल्कुल, ठीक है। देन आई यूज़ ऑस्टर सॉस, आई एम यूजिंग एक्चुअली। ओके, इसके बाद नमक मैं बिल्कुल कम यूज़ करूँगी, क्योंकि फिर इन लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है नमक। बस, और पिसी हुई मिर्ची, कुटी हुई मिर्ची के बजाय। और ये धनिया पाउडर है, इसको भी मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी। थोड़ी सी हल्दी और सबसे मेन चीज़ जो है वो है ये काली मिर्च पाउडर। मतलब मुझे इसका टेस्ट वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। और लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं, ठीक है। और इसके बाद दही खाएँ
दो मुझे दही, और इसी के साथ साथ जो है मुझे लग रहा है नमक थोड़ा सा कम है, मैं आज दोबारा से नमक थोड़ा सा डाल देती हूँ, ज़्यादा ना हो बस, और इसके बाद हाँ नहीं नहीं पूरा ही डालना है, थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का बन जाएगा ना, अगर अच्छा ना भी बने तो तुम लोग ग्रेवी से खा लेना। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मतलब अच्छा नहीं बनता दही, यार लेट्स सी कैसा बनता है। ओके बताऊँ अभी मैं मलाई मलाई, अरे भाई क्या हो गया हटो। और इसके बाद मेरे हैंड, मैं अपने पहले हाथ धो लेती हूँ, वैसे तो धुले लेते हैं। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, इसको अच्छे से जो है वो मैं मैरिनेट करके रखूँगी कोई कितनी देर के लिए, 20 मिनट्स, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है खाना वाना खाना इन लोगों ने। और ये बनाया है ताई ने बनाया ना, ताई अम्मी ने बनाया या अमजप्पा ने बनाया, क्या बनाया ये पता नहीं क्या, चिकन पराठा। हाँ मुझे आज बता रही थी क्योंकि इसके अंदर फिलिंग होगी ना, तो हम जब खाएंगे तो खोल के दिखा, मैं अंदर से दिखा रही हूँ फिलिंग, और ये बड़ी मजेदार सी फिलिंग हुई हुई है इसमें चिकन पराठे की। ओए होए ओए होए ओए होए, ये मैंने लिया है बीच वाला पार्ट, अब पता चलेगा असल में पल्पिंग हॉट। बहुत मजे का है, जैसे कबाब होते हैं ऐसा लग रहा है कबाब का ही पूरा लगाया हुआ है, लेकिन कबाब में गोश्त चलता है इसमें चिकन है, बस इस चीज़ का फ़र्क है, लेकिन अच्छा बनाया फर्स्ट अटैम्प्ट है, अच्छा है ना। आज वो भाई कैमरे में अच्छा मज़े कर, बहुत मज़े कर। हमारे पूरे घर में सिर्फ हमारे मेरी ताई अम्मी और मैं, हम लोग ही जो है वो है ना वो न्यू चीज़ें जो है वो ट्राई करते रहते हैं, बाकी हमारे घर में किसी को शौक़ नहीं है कुछ न्यू बनाने का, ट्राई करने का, खाने का। ओके जी, तो ये रहा हमारा मैरिनेट हो गया, और अब जो है हम इसको जो है अब करते हैं स्टार्ट। ओके जी, तो तेल में जो है वो तेल को पहले थोड़ा सा गर्म कर देती हूँ, और अब जो है इसमें मैं पहले अपने चिकन के पीसेस डालूँगी। अब इसको 2 मिनट जो है वो इस तरफ से पकाना है, उसके बाद फिर 2 मिनट जो है इसको टर्न करके और पकाना है, ठीक है। उसके बाद मतलब पूरा कुक नहीं होगा ये, उसके बाद फिर जो है मैं अपना वो जो उसमें दही वगैरह का था वो सब कुछ डाल दूँगी, पानी शायद थोड़ा सा ऐड करूँ, अगर मुझे लगेगा कि कम है तो पानी ऐड करूँगी, अभी तो ये फ़िलहाल थोड़ा सा 2 मिनट के लिए साइड से कुक होगा। अब बाबा टेस्ट करें, बाबा भाई आप पहले से क्यों बोल रहे हैं, आप टेस्ट करें ना। नाज़रीन बाबा टेस्ट करने जा रहे हैं, पूछे पे तो बर्फ गिर रही है, ऐसे लग रहा है जादू अच्छा नहीं बना तो ये अच्छा नहीं बना। इसमें क्या ऊपर से डाला है, उपटन की स्मेल आ रही है, उपटन की खट्टा खट्टा अच्छा नहीं बना, बिल्कुल खराब बने। हाँ पूछे तू बता, नहीं खाया जा रहा, नहीं इतना तो बुरा नहीं बना सर, खाया बाबा यार ना, बहुत हो गया एप्पल वेनेगर के अलावा तुमने इसके ऊपर से वो डाला है क्या, सूरी मेथी था, ये थोड़ी सी करने की क्या जरूरत थी, मैंने कहा कल भी मैंने डाली थी, अच्छा नहीं बना मतलब। अब हम लोगों ने कल खाया था तो इतना मज़े का बना था, ठीक है आज पता नहीं क्या भंड हुआ, मतलब आप लोगों ने सही एक थोड़ा कम क्वांटिटी में मुझे चिकन दिया था, आप लोगों को पहले से पता था ये भंड होने वाला है जी, ज़्यादा बकवास बनाते हैं क्या यार, इतना पोपट हो गया मेरा, मैं तो खाना अच्छा बनाती थी, ये नज़र लगी है मुझे लग रहा है इन सब की खाने पर, बकरा उठा रही है तुम्हारे पास उसकी सब्जी बना के खा लिया, खैर हो गई कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है जी। तो करते हैं इसी के साथ ब्लॉग का एंड, आई होप यू लाइक इट, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी ही बताइएगा कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलूंगी बहुत जल्द आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।